हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद माय चैनल किंग ब्लूम एप्पल। आज हम बात करेंगे वॉलनट स्टेज स्प्रे के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आजकल जैसे कि आपको पता वॉलनट साइज आ चुका है, इस टाइम हमें कौन सी स्प्रे करनी चाहिए और साथ में लीव्स जो हमारी पत्ती है उसको हेल्दी रखना है, सो हमें 15 से 20 दिन के बीच में कोई भी फंगीसाइड यूज़ करना है। दोस्तों याद रहे, कभी भी आप जो भी फंगीसाइड यूज़ करते हैं उसे बार बार रिपीट ना करें, मे भी आपको उसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। इस टाइम जो ऑर्चर्ड में फंगस आती है जैसे अल्टरनेरिया, स्कैब, माइट इत्यादि होती है, तो जैसे कि स्कैब के लिए है दोस्तों, आप माइक्रोबोटलिन जो सिस्टमेटिक होती है, सिस्टमेटिक फंगीसाइड होती है, उसको 80 ग्राम 200 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हैं, या फिर मैनकोजेब कॉन्टेक्ट फंगीसाइड जो 600 ग्राम 200 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आप दूसरा साल जैसे प्रोपोनेब कॉन्टेक्ट फंगीसाइड होता है 600 ग्राम 200 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हैं, या फिर आपके पास और एक ऑप्शन है डोडिन 65 WP जो सिस्टमेटिक फंगीसाइड होते हैं, इसको 150 ग्राम 200 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हैं। पर दोस्तों, डोडिन के लिए आपको थोड़ा टेम्परेचर लो होना ज़रूरी है, उस टेम्परेचर लो में ही स्प्रे करें। अब दोस्तों, जैसे आपके ऑर्चर्ड में अगर कभी माइट की प्रॉब्लम है तो आप दो लीटर HMO को भी 200 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हैं, या प्रोपोजाइन 200 ml 200 लीटर पानी में, या फेंसाक्विन 50 ml 200 लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट या लीप लाइट या प्री मेजर लीफ फॉल होते हैं, इसके लिए आप मार्केट से कैब्रिटॉप नामक जो प्रोडक्ट आता है इसे भी यूज़ कर सकते हैं, इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। इस टाइम दोस्तों, जो मैं अपने ऑर्चर में स्प्रे कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ रोको, उसके साथ मैं कैल्शियम भी ज़रूर ऐड करूँगा। जैसे कि आपको पता है दोस्तों, कैल्शियम हमारे फ्रूट के साइज़ को, फ्रूट वेट को बढ़ाता है, साथ के साथ आपकी जो फ्रूट की स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसको भी इंक्रीज करता है। दोस्तों, कैल्शियम की स्प्रे मेरे ख्याल से 5 से 7 तो होनी चाहिए टिल टू हार्वेस्ट तक। आज हम जो रोको 100 ग्राम 200 लीटर पानी में, साथ में उसके साथ 50 ग्राम बोरोन भी ऐड करूँगा, और उसके साथ कैल्शियम जो हम यूज़ कर रहे हैं मैक्सप्लो CA+ जो ट्रेडकॉप का आता है, इसको हम 100 ग्राम मिला के स्प्रे करेंगे, और आप जो कैल्शियम है नेक्स्ट स्प्रे में थोड़ा थोड़ा डोजेज में इंक्रीज करके बढ़ा सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे। दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वेरी है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।